हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद सरताज और आप देख रहे हैं सरताज फर्नीचर आई का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि हम जैसे कि हमारा ये राउंड गोला बना हुआ है यहाँ पे, ये राउंड ठीक है, यहाँ पे मैं आज आपको 2.5 इंची की मोल्डिंग लगा के दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, मैं अपने हाथ से बना के लगाऊंगा मोल्डिंग। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम राउंड मोल्डिंग किस तरीके से बना सकते हैं सिर्फ रोटर और ग्लेंडर की मदद से। ठीक है, राउटर और ग्लेंडर की मदद से हम किस तरीके से राउंड मोल्डिंग बना सकते हैं आज मैं आपको बना के दिखाऊंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि सबसे पहले आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। तो आइए दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों ये मैंने यहाँ पे जोड़ दे रखा है सनमाइका का। ठीक है, ये व्हाइट सनमाइका है हमारी और ये हमारी ग्रे कलर की सनमाइका है। तो ये हमने यहाँ पे जोड़ दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे जोड़ आपको पता ही है कि अगर यहाँ पे राउंड हम जोड़ देते हैं या तो अगर ग्रुप बना के लगाएंगे तो थोड़ा बेहतर लगेगा, वरना इस तरीके से प्रॉपर तरीके से ये नहीं मिल पाता है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ये जैसे कि यहाँ से खुल रहा है, ये यहाँ से कई जगह से खुल रहा है, जैसे कि यहाँ से खुल रहा है ये। तो इसलिए दोस्तों हम इस पे एक 2 इंची की इस पे एक मोल्डिंग बना के लगाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों इसका हम नाप कैसे लेंगे, पहले इसको बाहर से बाहर नाप लेंगे, जहां जितनी बड़ी हम मोल्डिंग लगाएंगे यहां से लेके लगाएंगे यहां तक। ठीक है, यहां से लेके यहां तक, तो इसका बाहर बाहर का साइज नापेंगे कितने इंची है, यहां से लेके यहां तक अगर हम लगाते हैं तो ये आ रहा है हमारा 71 इंची। ठीक है, ये 71 इंची आ रहा है हमारा, 71 इंची का मोल्डिंग बाहर से बाहर साइज है, उसके अंदर हम 2 इंची की कटिंग करेंगे। ठीक है, 2 इंची की हम मोल्डिंग बनाएंगे, 71 इंची की हमारा साइज है इसका। आइए दोस्तों आज अब मैं आपको मोल्डिंग बना के दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम मोल्डिंग बना सकते हैं। अब दोस्तों ये हमारा रूटर है, इससे मैं आपको मोल्डिंग बना के दिखाऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। दोस्तों इसमें हमने सबसे पहले ये हम प्लाई की, 12 mm की प्लाई है हमारी HDHMR की, इसमें से हम मोल्डिंग बना के दिखाएंगे आपको। ठीक है, कटिंग करके दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा रूटर है, इसमें हमने बिट बांध रखा है 6 mm का, पास से लग रही है ये वाला बिट हमने 6 mm का इसमें बांध रखा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो हमारी 71 इंची की मोल्डिंग बाहर से बाहर आ रही है। ठीक है, 71 इंची। अब दोस्तों इसमें ना यहाँ पे 2 बोल्ट खींचने के लिए आते हैं, जैसे कि ये है। ठीक है, इनको हम खोल लेंगे पहले। दोस्तों इसकी इन दोनों की दूरी देख लेंगे हम कि ये कितनी दूरी पर है, यहाँ से अगर हम नापेंगे तो ये 2 इंची की दूरी है इसकी। ठीक है, इस सुराग की और इस सुराग की यहाँ से यहाँ तक की 2 इंची की दूरी है। ठीक है, अब 2 इंची की दूरी पे यहाँ पे 2 सुराग मार लेंगे ये। ठीक है, ये हमने 2 इंची की दूरी पे 2 सुराग मार रखे हैं, इस तरह से इसके इन सुरागों में इसको खींच लेंगे हम। दोस्तों हमारा पूरा टाइट हो चुका है, ये बिल्कुल भी नहीं हिल रहे। ठीक है, ये पूरा हमारा टाइट हो चुका है। अब दोस्तों हमारी जैसे 71 इंची की मोल्डिंग बनेगी तो 71 इंची का आधा हो गया 35.5। 35.5 पे एक निशान लगाएंगे हम इस ब्लेड से। ठीक है, इस ब्लेड से नापेंगे और 35.5 पे हमने निशान यहाँ पे लगा लेंगे। ठीक है, ये वाला 35.5 पे ही निशान लगा लेंगे हम। ठीक है, अब 35.5 का निशान लगा के इसमें एक पेच खींच लेंगे इधर से, इस तरह से। ठीक है, 35.5 का निशान लगा के इस तरह से हम एक पेच खींच लेंगे। अब दोस्तों ये हमारा HDMR है 12 mm का, इसमें से हम मोल्डिंग काटेंगे। तो अब दोस्तों हमने ये यहाँ पे निशान लगा लिया है, जो हमने पेच लगाया है वो 35.5 इंची पे। ठीक है, 71 इंची की हमारी मोल्डिंग कटेगी, 35.5 इंची पे मैंने ये जो पेच लगाया है उसको, इसको साइड में रखेंगे, रूटर इसको रूटर मशीन को साइड में रखेंगे, मतलब एक कोने से ही निकालेंगे हम, जरूरी नहीं है कि बीच में से निकालेंगे, मोल्डिंग कोने पर रखेंगे और उसको पेच को बिल्कुल किनारे पर, किनारे से मतलब आधा इंची, ज़्यादा से ज़्यादा आधा इंची अंदर को करके वो वाला पेच हम टाइट कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से किनारे से ज़्यादा आधा इंची अंदर को करके टाइट करेंगे इसको। ठीक है दोस्तों, ये इस तरीके से।
ये हमारा पेज टाइट हो चुका है दोस्तों, ये हमने पेज यहाँ पे खींच लिया है दोस्तों, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा पेज खींच चुका है। अब दोस्तों ये हमारा 35.5 इंची पे निशान है, 35.5 इंची पे ये रूटर है हमारा, उधर से पेज से लेके यहाँ तक 35.5 इंची पे निशान रूटर है, ठीक है। अब इसको रूटर को हम इस तरीके से चला देंगे, ठीक है। ये देखिए, इसको धीरे 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 आगे को करते चले जाएंगे, राउंड राउंड ये कटेगा, राउंड मोल्डिंग कटेगी, धीरे धीरे आगे आगे को करते चले जाएंगे तो मोल्डिंग हमारी कटती चली जाएगी, ठीक है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा पहले गोला कट चुका है एक, ठीक है। ये बाहर से बाहर का साइज है उसका, मैं आपको दिखाऊंगा मोल्डिंग किस तरीके से हम काट सकते हैं इसमें से। ये हमारा गोला कट चुका है उसका। अब ये देखिए दोस्तों, ये हमने कितने इंची का गोला काटा है, 71 इंची का, ठीक है। 71 इंची हमारा बाहर से बाहर, 71 इंची हमारा मोल्डिंग का साइज बाहर से बाहर था। ये हमने 71 इंची का गोला काटा है, अब हम इसमें से 2.5 इंची की मोल्डिंग कटिंग करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, जो ये हमने लगाया था निशान, दिखा इधर दिखा, अब ये हम 2.5 इंची की मोल्डिंग कटिंग करेंगे। 6 mm का हमारा ये बिट चलेगा, यहाँ पे बिट चलेगा, ये दिखा पास देख रहा, यहाँ पे बिट चलेगा, ये हमारी इतनी मोल्डिंग कटिंग होगी 6 mm का। तो इसी हिसाब से हम यहाँ से निशान लगा लेंगे कि कितना हमारा इस वाले निशान से यहाँ तक ये कितना बैठ रहा है। ये हमारा 2 सूत कम 33 इंची आ रहा है। अब 2 सूत कम 33 इंची इस ब्लेड से लगाएंगे यहाँ पर, अब यहाँ पे सुराख कर लेंगे हम, ठीक है। अब इस पेच को इस वाले सुराग में, जो हमने पहले सुराग में निशान जहां पेच लगाया था पहले निशान सुराग में, इसको पेच को हम लगा लेंगे, ठीक है। इसको फिर इसी तरह से चला देंगे।
अब दोस्तों ये मोल्डिंग हमारी कट चुकी है, ठीक है। अब इसको हम रूटर को खोल लेते हैं, ठीक है। इसको खोल के रखेंगे, ये गोला कट चुका है हमारा। अभी इस गोले में हम मोल्डिंग काटेंगे। ये देखिए हमारा 2.5 इंची का ये गोला कट चुका है। कितना बेहतरीन एकदम फिनिशिंग के साथ कटा है ये, एकदम बहुत ही बढ़िया कटा है, ठीक है दोस्तों। इसमें अब हम मोल्डिंग काट के आपको दिखाएंगे। दोस्तों अब हम ना इस वाले बिट को खोल लेंगे। दोस्तों एक ये वाला बिट आता है हमारा मोल्डिंग बनाने का, ठीक है। अब हम इस वाले बिट को खोलेंगे और ये वाला बिट हम रूटर में बांध लेंगे। दोस्तों ये बिट हमारा टाइट हो चुका है, ठीक है। दोस्तों ये हमारा जो हल्का हल्का ये यहाँ पे ये रेसा सा आ रहा है ना, इसमें मतलब थोड़ी बहुत जो ये यहाँ पे ये हो रहा है, इस पर हम ग्लेंडर मार लेंगे, ठीक है। इसको ग्लेंडर मार कर क्लियर कर लेंगे बिल्कुल। दोस्तों ये हमारा एक्सार हो गया, ठीक है, दोनों तरफ से, दोनों साइडों से। अब हम रूटर लेंगे और रूटर को चला लेंगे। ये देखिए दोस्तों हमारी मोल्डिंग बन के हो चुकी है तैयार, ठीक है दोस्तों। कितनी बेहतरीन तरीके से हमारी मोल्डिंग बनी है, कोई इसमें खराबी कोई कमी नहीं है इसमें, ठीक है। ये हमारी इतनी आसानी से हम मोल्डिंग बना सकते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि सबसे पहले आने वाली वीडियो आपको मिल जाए, ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैं आपको अब ये लगा के दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमारे लगाने के बाद कितनी अच्छी ये लग रही है। ये देखिए दोस्तों ये हमने लगा दी है, ठीक है। वो जो मैंने आपको पहले दिखाया था, स्टार्टिंग में दिखाया था, वहां पे ये मैंने लगाई है। ये देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से लग रही है, लगाने के बाद कितनी अच्छी सुंदर लग रही है एकदम। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। थैंक यू दोस्तों।